आज हम लोग आम का अचार बनाने जा रहे हैं। ये अचार मम्मी बना रही हैं, क्योंकि ये हमारे घर की आम है तो मम्मी इसको अब थोड़ी अपने तरीके से और ज़्यादा मात्रा में बना रही हैं। इस तरह से उन्होंने कई बार आम का अचार बनाया है, तो चलिए आज मम्मी के तरीका शेयर करते हैं आपके साथ। मम्मी के हाथ का अचार बहुत ही टेस्टी बनता है और इसे वो साल भर तक स्टोर कर लेती हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आम का अचार कभी ख़राब भी नहीं होगा और हमेशा ताज़ा बना रहेगा। एक बार आप इस तरीके से आम का अचार ज़रूर बनाएं। इसके लिए सबसे पहले हमने आम ले लिए हैं, क्योंकि हमारे घर के आम हैं तो इसको हमने हाथ से तोड़वाया है, लेकिन हम कई बार मार्केट से भी आम आके और उसका अचार बनाते हैं। तो बस आम में ध्यान रखें, अचार बनाने के लिए जो आम खरीदें तो वो कटा फटा ना हो, घायल ना हो। कई बार गिर जाते हैं आम तो उसमें दाग से बन जाते हैं, और कड़े हों, हमेशा फ्रेश और कड़े आम का ही अचार डालें। कभी भी कटे फटे आम का अचार बिल्कुल ना डालें तो कभी अचार ख़राब नहीं होगा। इस तरह से हमने पहले आम को धो के सुखा लिया था थोड़ा सा, उसके बाद इस तरह से उसका ऊपर का काला हिस्सा निकाल के और आम कटना से काट लिया है। क्योंकि आम की साइज़ बहुत बड़ी है तो हमने इसके 8-8 टुकड़े किए हैं। ये आम मेरे पापा जी काट रहे हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो मुझे नहीं काटने देते, वो खुद ही आम काटा करते हैं। इस तरह से हम उसके अंदर का जो बीज का टुकड़ा रहेगा उसको बिल्कुल निकाल देंगे, और उसमें एक पॉलीथीन जैसा भी चिपका रहता हो सके तो उसको भी निकालते जाएं, नहीं तो सूखने के बाद वो अपने आप निकल जाएगा। इस तरह से बीज उसके बिल्कुल निकाल दें, और साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, बड़ी छोटी, क्योंकि बच्चों को आम का अचार बहुत पसंद रहता है तो हम कई बार टिफ़िन में भी रखते हैं, तो छोटे टुकड़े ही इसके रखें ताकि वेस्ट भी ना हो और बच्चों को स्वाद भी मिल जाए। इसके बाद हम इन्हें 2-3 घंटे के लिए अच्छी तेज़ धूप में सुखा लेंगे। हमने इसमें कोई नमक हल्दी वगैरह नहीं मिलाया है। जब तक आम सूख रहे हैं मसालों की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने मोटी वाली सौंफ ड्राई रोस्ट कर ली है, सभी मसालों को अच्छे से भून लेंगे। थोड़ी देर में आप देख सकते हैं कि सौंफ भुन गई है। अचार के लिए जब भी सौंफ लें तो हमेशा मोटी वाली लें, क्योंकि इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है अचार में। पतली वाली सौंफ सिर्फ खाने के लिए ठीक लगती है, शरबत और अचार वगैरह में यही वाली सौंफ अच्छी लगती है। इसके साथ ही हम थोड़ा सा जीरा भून लेंगे। सभी मसालों को ड्राई रोस्ट करना है, ध्यान रखिएगा, और जब भी मसालों को भूने तो कोई मोटे तले के बर्तन भूने, नहीं तो जल्दी जल जाते हैं, और मीडियम फ्लेम में ही सेकें। लगातार चलाते हुए हम मसालों को भून लेंगे। इसी तरह हमने खड़ी धनिया यूज़ की है, उसको भी अच्छे से भून लेंगे और सभी मसालों को पीस लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने मेथी पाउडर को भूना है, और साथ में हमने एक कटोरी के करीब लहसुन ले लिया है। लहसुन को हम छील के बारीक क्रश कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा कूट लेंगे, उसको ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना है। अचार में लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा था, मम्मी के सभी अचार में लहसुन ज़रूर डलता है। आप चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि लहसुन डालें। इसके बाद आप देख सकते हैं आम भी अच्छे से सूख गया है, इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है, अच्छे से ड्राई हो गया, हमें ज़्यादा भी नहीं सुखाना है इसे। इसके बाद हम एक बर्तन में सारे मसाले डालेंगे जो हमने पीस के रखे थे, अजवाइन, करायल, इनको भूनना नहीं था, केवल हमने धनिया, सौंफ, जीरा, मेथी, इनको ही भूना था। उन मसालों को डाल लेंगे, और यहाँ पर मम्मी ने पिसी हुई सरसों डाली है। आप चाहें तो मार्केट से भी सरसों जो आती है पीली वाली उसको ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने काली वाली सरसों को हल्का सा दरदरा करके उसका छिलका निकाल के और फिर पाउडर बनाया है, इसलिए वो थोड़ी अलग कलर की है। इसके बाद नमक डाल देंगे, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब डालें, अचार में नमक हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही रखें। इसके बाद अजवाइन डाल दिया है, ये रेगुलर मिर्ची है तीखी वाली, आप चाहें तो कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं कलर के लिए, लेकिन हम लोगों ने कलर के लिए मिर्च यूज़ नहीं की है। अब सभी मसालों को अच्छे से मिला लेंगे, पहले सूखा ही मिला लें ताकि सब मसाले एक दूसरे में अच्छे से मिल जाएं।
इस तरह से सभी मसालों को मिला लेंगे। इसके बाद हमने एक प्लास्टिक के बर्तन में आम रख लिए हैं, उसी में सारे मसालों को पलट के और साथ में तेल डाल देंगे। तेल हमने कच्चा यूज़ किया है, कई लोग तेल को पका कर और ठंडा करके फिर डालते हैं, आप जैसे बनाते हैं उस हिसाब से डालिए, लेकिन कच्चे तेल का फ्लेवर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है तो अचार ज़्यादा टेस्टी लगता है। फिर सभी मसालों को आम के साथ अच्छे से मिलाते जाएंगे ताकि अच्छे से आम के ऊपर कोटिंग हो जाए। इस तरह से ऊपर नीचे करके मिलाएंगे, जितना हो सके चम्मच से मिला लें, लेकिन क्योंकि आम ज़्यादा है अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, इसके बाद मम्मी ने हाथ से ही मिलाया है। इस तरह से इसको खूब अच्छे से मिला लें, जितना ज़्यादा आप अचार मिला के रखेंगे उतना अच्छा आम के अंदर समाएगा मसाला। बाद में जो लहसुन हमने पीस के रखा था उसको भी डाल देंगे। लहसुन डालने से बहुत चटपटा टेस्ट आता है आम के अचार में, बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप लहसुन खाते हैं तो लहसुन ज़रूर डालें अचार में। आप देख सकते हैं थोड़ी देर में अचार में अच्छे से तेल मसाले सब मिल गए हैं। अचार में मसाला हमेशा ज़्यादा ही रखें क्योंकि मसालों का ही टेस्ट रहता है। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा चखा था तो नमक कम लग रहा था, अगर नमक कम होगा तो अचार ख़राब भी होता है और टेस्टी नहीं लगता, क्योंकि ये आम का अचार है तो खट्टा होता ही है, इसलिए नमक अच्छे से डालें। इसको स्टोर करने के पहले एक बार टेस्ट ज़रूर कर लें, अगर नमक कम लग रहा है तो इसी समय नमक डाल दें आप। इस तरह से ऊपर से नमक मिला के फिर से मिला देंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है अचार का। बस अचार रेडी है, अब आप इसको डिब्बे में रख सकते हैं और साल भर तक यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक के बर्तन में या फिर आप कांच की बरनी में रखें तो ज़्यादा अच्छा है आजकल, लेकिन हम लोग प्लास्टिक के जार यूज़ करने लगे हैं, नहीं तो पहले मिट्टी के बर्तन में या कांच में ही रखा जाता था, चीनी मिट्टी की बरनियाँ आती थी, अब लेकिन हम प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, तो आप जिसमें चाहें उसमें रख सकते हैं। इस तरह से स्टोर करके रख लें। अब इसको देख के मुँह में पानी आ रहा है, चलिए इसको रोटी चावल के साथ खाते हैं, एंजॉय करते हैं। थैंक यू।